हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रवि, मैं कनिका, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू मिस्टू एंड एंड मिस्टी। मिस्टी। तो आज की वीडियो हम स्पेशल क्यू एन ए रख रहे हैं 100K की खुशी में, जो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आज हम एक एक करके रिप्लाई करेंगे। अगर आपका कमेंट हमने पिक नहीं किया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि यार आप ये बात आप भी जानते हो कि एक वीडियो में अगर हम हर किसी का क्वेश्चन का आंसर देने लगेंगे तो वीडियो 1-2 घंटे लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है और जो आप लोग भी जानना चाहते हैं वही हमने पिक किया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चित्रा सिंह, मिस्टी दी आपको मेकअप का वीडियो डालो प्लीज़। मेकअप जल्दी के वीडियो डालूंगी, मैंने सोचा है नेक्स्ट मंथ से डालूंगी, अभी हम लोग कैमरा वैमरा ले लेंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन। कैंडी, कभी स्कूल में फेल हुए हो दोनों? मैं तो हुई हूँ। मैं भी हुआ हूँ भाई। थर्ड क्वेश्चन, सानिया गुप्ता, आप दोनों ने एक दूसरे को अब तक क्या क्या गिफ्ट दिए हैं? मैंने मिस्टी को एक घड़ी दिया था फर्स्ट टाइम, जो खो गई, और वो चोरी भी हो गई। चोरी हो गया, कोई खोया नहीं, नहीं, चोरी हो गया चोरी वो हो घड़ी, गई। चोरी हो गया। दिया एक पूरा वो दिया था, क्या कहते हैं, सेट दिया था, उसमें कान के भी थे, गले का हार वगैरह सब था उसके अंदर, है ना। हाँ, लॉकेट था बड़ा, और ये रिंग था उसमें, देखो अभी हाँ पहन रखा है मैंने, रिंग दिख रहा है बहुत ना। प्यारा सा था। मैंने क्या दिया है, तुमने क्या दिया मेरे को? हाँ मैंने एक स्पीकर दिया है बोट का, ठीक है, और और टी शर्ट टी वगैरह शर्ट दिया। दिया था मैंने, वो शादी से पहले दिया था टी शर्ट मैंने। पढ़ो। अगला क्वेश्चन है हीना राज का, आप दोनों को एक दूसरे में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे सबसे अच्छी मिस्टी में ये लगता है कि केयर बहुत करती है, दूसरी लड़कियों से थोड़ा हट के है। मिस्टर में कौन सी बात मेरे को अच्छी लगती है, वो है मतलब अगर मैं खाना वाना भी लेट खाती हूँ तो ये बोल देते हैं कि मेरा वेट मत क्या करो, तुम खा लिया करो पहले खाना, क्योंकि ये कोई बाहर रहते हैं पार्टी वार्टी करते हैं तो फिर मैं लेट हो देखो, जाता है ना फिर खाना हाँ खाने तो में, मैं तो सही बोलता हूँ ना। ये भी केयर करते हैं, केयर करते हैं बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि गांधी, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई 5 चीज़ बताओ। खाना पसंद है, सबको पसंद होता है खाना, है ना, और मूवीज़ देखना पसंद है, वो भी सिनेमा हॉल में। फ़ोटोशूट पसंद है लेकिन वो मैंने अभी बंद कर रखा है, और घूमना पसंद है, और एक मेरे को पसंद है लड़ना मिस्टी के साथ। साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का। तुम्हारा भी मेरे को सबसे अच्छा लगता है मूवीज देखना, वो भी थिएटर में। खाने मेरे को सब कुछ पसंद है, और मेरे को भी घूमना पसंद है, और फोटोशूट मेरे को पसंद है, वो भी ठीक लगता है मेरे को, बट मैं भी अभी नहीं कर रही फोटोशूट वगैरह। कितना हुआ, 4? पता नहीं, मैं गिन नहीं रहा। ओके और मेरे को शॉपिंग करना पसंद है। बस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुषार यादव, कनिका और भाई, क्वेश्चन तो नहीं पर ब्लेस जरूर दूंगा, आप दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रहे और यूट्यूब में जल्दी से जल्दी 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी एक गेमिंग चैनल भी ओपन करो भाई, पबजी खेलते हैं ज़रूर भाई। फ्यूचर में अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो गेमिंग चैनल ज़रूर ऑन करेंगे। और 100 मिलियन सब्सक्राइबर, तुमने इतना बोल दिया यार, चलो तुमने इतना दिल बोल दिया गार्डन ना, एकदम गार्डन हो गया। दे एकदम छाती एकदम उससे खुशी से फूले नहीं समा रही, पहले 1 मिलियन ही हो जाए यार। मिस्टी तुम बढ़ो। अगला क्वेश्चन है सानिया मातू सर, बोलना सीखो पहले अच्छे से, रुको जरा सबर करो अच्छे से। हाँ चलो, काटना बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा काटूंगा नहीं मैं। अगला क्वेश्चन है सानिया मातू का, आपके घर थर्ड मेंबर कब आएगा? एक्साइटेड टू सी हिम या हर व्हेन दे आल्सो बिकम पार्ट ऑफ योर व्लॉग? ये क्वेश्चन तो यार मतलब आप लोग क्यों पीछे पड़े हो यार, क्यों? जब से हमने अपना चैनल स्टार्ट किया तब से सब मैं देखता हूँ, ये कमेंट जरूर आता है हमारे वीडियोस में, हर कोई यही पूछता है। अगर देखो अगर होगा भी तो हाँ, वो हमारा अगर होने ब्लॉग का वाला भी पार्ट ही होगा या होगा। कुछ भी होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, हम लोग जरूर ब्लॉग डाल देंगे उसका एक बना के, तो तब तक आप लोग वेट करें, है ना। अगला क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन है
मोनी सेन, कनिका आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो, क्या अचीव करना चाहती हो? अचीव तो मैंने कर लिया है, ठीक है, जो अचीव करना था। और अचीव ये करना है, मैं बता देता हूँ मिस्टी की तरफ से। अभी मिस्टी को ग्रेजुएशन तक तो करना ही है पढ़ाई, उसके बाद आगे का शायद ये अपना कुछ करेगी मेकअप के, क्योंकि इसको मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि ब्यूटी पार्लर ही खोल ले एक अपना खुद का। तो यार मेरे को तो फ्यूचर में सिंगर बनने का है, लेकिन लगता नहीं है मैं बन पाऊँगा। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, अगर बन गए तो अच्छी बात है, नहीं तो व्लॉगर ही ठीक है अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइना खान का, क्या कनिका दी को खाना वगैरह बनाना नहीं आता है? आप लोग खाने बनाने वाली रखते हो? प्लीज़ आंसर मी, ये आंसर तुम दो। मेरे को खाना बनाना आता है, ठीक है, और आंटी आती है वो, मतलब वो बहुत पहले से खाना बनाती है, क्योंकि वो हमारे घर में कम से कम अभी से नहीं है, वो कम से कम 4 साल से हमारे घर में काम कर रही है, 4-5 साल पहले से, समझे? क्योंकि मैं और मेरे बाबा यहाँ नोएडा में अकेले रहते हैं, तो मेरे को खाना बनाना नहीं आता, बाबा को भी नहीं आता, तो इसीलिए हमने काम वाली रखी है। और वो अभी से नहीं है, वो हमने वीडियो में अभी दिखाया उनको, लेकिन वो बहुत 4-5 साल पहले से ही काम कर रही हैं, 4-5 साल पहले से काम कर रही हैं वो। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अनथ सेक, इफ यू डोंट माइंड विथ मेकअप यू आर नॉट गुड, विदाउट मेकअप यू आर सो क्यूट। कि मिस्टी मेकअप में अच्छी नहीं लगती, बिना मेकअप के अच्छी लगती है, क्या ये सच है? नहीं सरासर झूठ है ये जज साहब। मेरे को तो भाई देखो, मुझे मेकअप में भी अच्छी लगती है मिस्टी, और बिना मेकअप के तो ज्यादा क्यूट लगती है, आई नो, क्योंकि हम लोग का टिकटॉक का जितने वीडियोस वायरल हुए थे वो बिना मेकअप, बिना मेकअप के ही, बिना कुछ किए वायरल हुए थे, नॉर्मल वीडियो रहते थे, आप लोग देखे ही होंगे हम लोग का वीडियो, आपको देख देख के आदत हो गई ना इसलिए। अगला क्वेश्चन, मिस्टीरियस गर्ल, आपकी एनिवर्सरी डेट क्या है और शादी के बाद पहले बार घूमने कहाँ गए थे और वहाँ का कोई स्पेशल मेमोरी? एनिवर्सरी हमारा है 14 मार्च, 14 मार्च को है, और शादी के बाद घूमने हम लोग कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए शादी के बाद, बस गाँव गए, बिहार गए थे, बिहार। अगला क्वेश्चन आरती ठाकुर का, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आई लव यू मिस टू एंड मिस टीन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिद आरएनजे, आप दोनों को आप लोगों के घर में क्या बुलाते हैं? मेरे को नाम से बुलाते हैं, मेरे को केटू बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि राज, मिस्टी आप अपना डाइट प्लान शेयर करो, इट्स बीन मॉर्निंग टू नाइट क्या खाते हो उसका एक वीडियो प्लीज शेयर करना, एंड यू बोथ आर टू क्यूट, थैंक यू सो मच। और मिस्टी सुबह से रात तक पानी पीती है। नाश्ता ज़्यादा कुछ हम खास करते नहीं है मॉर्निंग का, सीधा मैं तो दूध पीता हूँ सिंपल, मैं भी दूध, और मिस्टी चाय पीती है, दूध नहीं पीती तुम, मिस्टी चाय पीती है, साथ में बिस्किट वगैरह खा लेती है, उसके बाद सीधा दोपहर में खाना बनता है तो आंटी खाना बनाती है, वो खाते हैं नॉर्मल दाल चावल, हमारे घर में ज़्यादातर दाल चावल ही बनता है, ज़्यादातर वेज ही बनाते हैं हम लोग, और शाम को वही थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाता है, फिर रात को खाना, फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा प्रजापति, आप दोनों का फेवरेट प्लेस कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेस, देखो मैं इंडिया के बाहर तो गया नहीं हूँ, इंडिया के बाहर मैं जाऊँगा दुबई पहले घूमने, और यहाँ इंडिया में तो हाँ ताजमहल जाएंगे, और सबसे बेस्ट प्लेस शिमला। हाँ मेरा भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पल गर्ल, मिस्टी दी आप के लिए ये क्वेश्चन है, कुछ स्किन केयर रिलेटेड IGTV वीडियो डालो ना प्लीज। IGTV में वीडियो डालूंगी, ऑलरेडी मैंने एक डाल रखा है, उसे मैंने बस रिव्यू दिया है कुछ प्रोडक्ट्स का। 1 hour later। तो गाइस आज के क्वेश्चन इतने ही थे, और भी ढेर सारे क्वेश्चन आए थे, बट जो जो सेम क्वेश्चन था उसमें से हमने एक एक क्वेश्चन लिया, जो जैसे सेम क्वेश्चन थे उनमें से हमने एक ही क्वेश्चन चूज किया, और जिसका हम आंसर पहले दे चुके हैं अपने पिछले Q&A वीडियोस में, तो वो उसका हमने पिक नहीं किया, आपको अगर देखना है तो आप पिछले वाले Q&A वीडियोस देखो, पिछले वाले Q&A और हमारी लव स्टोरी वाले वीडियो देखना, उसमें भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
हमारे। वीडियो आज की यही तक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट यहीं पे है तो आप लोग जाके हमें फॉलो करें, और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जाके प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और गाइस मेरा गुड्डू भैया वाला लुक कैसा लग रहा है जरा बताना मेरे को थोड़ा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand.